नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। क्लासिक रेट्रो बाइक बनाने वाली स्वदेशी कंपनी रॉयल इनफील्ड ने भारत में लॉकडाउन खत्म होने के बाद 90% से अधिक शोरूम और सर्विस सेंटर खोल दिए हैं। हालांकि लॉकडाउन हटने के बाद भी शोरूम पर ग्राहकों की कमी है। ऐसे में कंपनी ने बाइकों की बिक्री के लिए एक नए विकल्प का सहारा लिया है। रॉयल इनफील्ड ने भारत में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी ने मोटरसाइकिल की बिक्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसके तहत ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर बाइक को बुक करने के साथ ही पेमेंट और फाइनेंस की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। कंपनी बाइक के टेस्ट ड्राइव के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प दे रही है। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड बाइक की पिकअप और होम सर्विसिंग का भी विकल्प दिया जा रहा है। कंपनी ने यह सुविधा फिलहाल देश के कुछ ही शहरों में शुरू की है। रॉयल एनफील्ड ने देश भर में 6 जून से चरणबद्ध तरीके से अपने शोरूम्स खोलने शुरू कर दिए थे। मौजूदा समय में कंपनी ने 850 स्टोर और 425 स्टूडियो खोल दिए हैं। इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को भी शुरू कर दिया गया है। रॉयल इनफील्ड ने मई 2020 की सेल्स रिपोर्ट भी हाल ही में जारी की है, जिसमें मई 2020 के कारोबार में 69% का घाटा हुआ है। रॉयल इनफील्ड ने मई 2020 में 19,113 वाहनों की बिक्री की है, जबकि मई 2019 में कंपनी ने 65,371 वाहनों को बेचा था। कंपनी ने 68% की गिरावट के साथ 648 वाहनों का निर्यात भी किया है। वहीं पिछले साल मई के महीने में 2,160 वाहनों का निर्यात किया गया था। हाल ही में अपने मौजूदा ग्राहकों को राहत देने के लिए कंपनी ने बाइक पर फ्री सर्विस और वारंटी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया था। लॉकडाउन की वजह से जो ग्राहक लाभ नहीं ले पाए थे, वो लॉकडाउन खुलने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। बता दें कि रॉयल इनफील्ड की नई बाइक मीटियोर 350 इस समय काफी चर्चा में है। क्लासिक 350, बुलेट 350 और थंडरबर्ड 350 के बाद यह 350 सीसी सेगमेंट में कंपनी की नई पेशकश है। इस बाइक को जून 2020 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।